सारी किती सजुना गजुना किती सजुना गजुना कुणाची दिसतेस ग माझी नवरी दिसतेस ग माझी नवरी दिसतेस ग हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहनने वाले हैं ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन काष्टा, जो पहले के ज़माने में महाराष्ट्रियन क्वींस पहना करती थी, बट आजकल ये ट्रेंड बन चुका है और ब्राइड्स भी पहनती हैं। तो सबसे पहले हम साड़ी का कोना लेके राइट साइड की ओर दो अच्छे से गांठ मार लेंगे। ध्यान रखें फ्रेंड्स कि जो आप नॉट बांधने वाले हों वो टाइट हों। अब हम नीचे से ये पोर्शन आगे लेंगे इस तरह से, और इसको अंदर से हम वेस्ट से बाहर निकालेंगे। इस तरह से इसे प्रॉपर्ली बाहर निकालने के बाद हम जो रिमेनिंग साड़ी होती है उसको अब प्रॉपर्ली पीछे से आगे की तरफ लेंगे इस तरह से, और हम प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। जो साड़ी का पल्ला होता है इस तरह से आप नॉर्मली प्लीट्स बना सकते हो। मैंने यहाँ पे टेम्परेली प्लीट्स बना ली हैं। और याद रखना फ्रेंड्स कि आपका जो पल्ला होता है वो अच्छा सा लॉन्ग रखना, लंबा रखना, ताकि साड़ी बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल लगती है। जनरली नेक के नीचे ही रखना पल्ला। ये साड़ी बहुत ज़्यादा लंबी होती है बिकॉज ये 9 yard की साड़ी है, नववारी है। तो इस तरह से हम पूरी जो रिमेनिंग साड़ी है उसमें हम प्लीट्स लगाएंगे। साड़ी होती है या आप सिल्क में, कॉटन में, या जो भी पॉलिस्टर मटेरियल में अगर नवारी मिलती है तो कोई भी पैटर्न सही रहता है। इसमें कोई भी मटेरियल का डिफरेंट ऐसा कुछ फॉर्म नहीं होता। तो अब हमने यहाँ पे प्लीट्स बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्ली हम लोग इसको देखेंगे कि प्लीट्स बन गई हैं हमारी यहाँ पे। और अब हम जो लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है इसको दो प्लीट्स छोड़ देंगे और ओवरलैप करने वाले हैं हम टूवर्ड्स द राइट साइड। राइट साइड की तरफ हम इसे इस तरह से लेके आएंगे और पीछे की तरफ इसे टक करने वाले हैं इस तरह से। अब हमने इसको ओवरलैप कर लिया है। अब हम इसे नीटली अरेंज करेंगे इस तरह से, और जो ऊपर का जो पोर्शन है हम इसको राउंड राउंड इस तरह से सर्कल बनाएंगे। इसको एक्चुअली के बनाना या ऐसे कुछ बोलते हैं पुराने ज़माने के लोग। और इस तरह से जो अंदर में हमने स्टार्टिंग में एक पोर्शन ऊपर लिया था उसके ऊपर से हम इसको टक कर लेंगे। अब हम साड़ी का सेंटर लेंगे और दोनों पैरों के बीच में से इस बॉर्डर को हम इस तरह से पीछे लेंगे। तो पीछे के साइड से आपको प्रॉपरली देखना है कि जो ओरिजिनल बॉर्डर होता है वो ही सामने आए, और अगर नहीं भी आए, आपका उल्टा साइड अगर आता है बॉर्डर का, तो आप उसको अपसाइड डाउन करके इस तरह से अरेंज कर सकते हो। और हमें ये जो डबल साइडेड होता है इसको हम यहाँ पे एक सेफ्टी पिन से अटैच करने वाले हैं इस तरह से, ताकि हमारी जो डबल साइडेड नवारी की दोनों भी बॉर्डर्स अच्छे से दिख जाए। अब ये बॉर्डर हमारी रेडी है। अब हम इसे प्रॉपरली पीछे की साइड में इसको टक कर देंगे इस तरह से। अब हमारी नवारी प्रॉपरली ड्रेप हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हमने पिनअप कर लिया है पल्लू की, वो प्रॉपरली सेट कर ले। बॉर्डर्स अगर उल्टी हो तो उसे भी सीधा कर लें। अब हम रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। आप ट्रेडिशनल ज्वेलरी नवारी स्टाइल पे जो पहनते हैं ब्राइड्स, या नॉर्मली भी कोई भी मैरिड फीमेल्स पहनती हैं, आप वो पहन लें और रेडी हो जाए। ये बहुत ही सिंपल एंड इजी मेथड है नवारी पहनने का, इसे ज़रूर ट्राई करें। कुनाची दिस्तेस्क।